डियर स्टूडेंट्स, आर सी आई एजुकेशन हब बानसू की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे राज्यसभा की संरचना, उसमें हमने तीन बिंदु पिछले वीडियो में समझ लिया है। पिछले वीडियो तक तीन बिंदु हो चुके हैं। पहला जो बिंदु है वो है सदस्य संख्या, दूसरा हमने पढ़ा निर्वाचन पद्धति और तीसरा हमने पढ़ा राज्यसभा सदस्यों की योग्यता या योग्यताएं। जहां तक है मेरे को पूर्ण विश्वास है कि आपको ये समझ में आ गए होंगे। और अब हम चौथा जो नेक्स्ट बिंदु है वो हम पढ़ेंगे कार्यकाल। कार्यकाल, डियर स्टूडेंट्स, आपको याद रखना है कि राज्यसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। तो डियर स्टूडेंट, यहां पर देखिए, आप राज्य सभा का कार्यकाल, तो विद्यार्थी, यहां पर राज्यसभा का जो कार्यकाल है वो होता है स्थाई, यानी कि इससे पूर्व वाले वीडियो में हमने पढ़ लिया था कि राज्यसभा एक स्थाई सदन है। भारत का राष्ट्रपति राज्यसभा को भंग नहीं कर सकता, इसलिए इसको स्थाई सदन कहा जाता है। पर जो राज्यसभा के सदस्य होते हैं, मेंबर ऑफ राज्यसभा, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल वो होता है 6 वर्ष। कितना होता है? 6 वर्ष। यानी कि जो राज्यसभा का सदस्य बनता है उसका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, उसका चुनाव 6 वर्ष के लिए किया जाता है। देखिए विद्यार्थियों, इससे पहले वाले वीडियो में हमने लोकसभा के बारे में पढ़ा, यहां पर हम पढ़ रहे हैं राज्यसभा के बारे में। तो यहां अगर मैं यहां इस शब्द को यहां से हटा दूं और लोक शब्द लगा दूं तो वो बन जाएगा लोकसभा का कार्यकाल। तो यहां पर लिखेंगे आप 5 वर्ष। क्या लिखेंगे? 5 वर्ष, क्योंकि लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, लेकिन वो भंग हो सकता है, इसलिए उसको अस्थायी सदन कहा जाता है। और ये स्थायी सदन है, इसका कोई कार्यकाल नहीं है। राज्यसभा का, राज्यसभा एक स्थायी सदन है। यहां पर अगर मैं इस शब्द को हटा दूं और इसकी जगह लोक शब्द लगा दूं तो बन जाएगा लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल, तो उसका आ जाएगा यहाँ पर 5 वर्ष, क्योंकि लोकसभा का जो सदस्य होता है उसको जनता द्वारा 5 वर्ष के लिए चुना जाता है। लेकिन यहाँ पर राज्यसभा है तो राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। और इन राज्यसभा के सदस्यों को विधान मंडल द्वारा, और विधानमंडल द्वारा का अर्थ हो गया विधानसभा द्वारा या विधान सभाओं द्वारा। यहां पर बहुत सारे राज्य है भारत के अंदर और लगभग सभी राज्यों के अंदर विधानसभा है, इसलिए यहां पर आएगा विधानसभाओं द्वारा या विधानसभाओं द्वारा का अर्थ हो गया कि जो विधानसभा के जो सदस्य होते हैं वो राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव करते हैं। आगे देखिए विद्यार्थियों, जो अगला पॉइंट है वो है राज्यसभा के पदाधिकारी। ये अंतिम और लास्ट पॉइंट है राज्यसभा के पदाधिकारी। पिछले वाले वीडियो के अंदर हमने पढ़ा था कि लोकसभा के पदाधिकारी, तो उसमें हमने पढ़ा था कि लोकसभा में 2 पदाधिकारी होते हैं,
लोकसभा अध्यक्ष और लोकसभा उपाध्यक्ष। लेकिन हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं राज्यसभा, तो राज्यसभा के अंदर भी दो पदाधिकारी होते हैं। राज्यसभा में दो पदाधिकारी होते हैं, दो पदाधिकारी होते हैं। पहला जो पदाधिकारी होता है वो कहलाता है सभापति। राज्यसभा में उसको अध्यक्ष कहते हैं, और सॉरी लोकसभा में उसको अध्यक्ष कहते हैं और राज्यसभा में उसको सभापति कहते हैं। और दूसरा है उपसभापति। उपसभापति, प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि हमने लोकसभा में पढ़ा कि लोकसभा में दो पदाधिकारी अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होते हैं, उनका निर्वाचन लोकसभा के सदस्य अपने में से करते हैं, परंतु यहाँ थोड़ा सा अलग है। यहाँ पर जो राज्यसभा का सभापति होता है उसका चुनाव राज्यसभा में से नहीं किया जाता, क्योंकि जो सभापति होता है वो उपराष्ट्रपति होता है। उपराष्ट्रपति यानी कि कई बार एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि राज्यसभा का सभापति होता है या राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है, तो उसका आंसर आएगा उपराष्ट्रपति। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि भारत के अंदर जो राज्यसभा है और राज्यसभा के अंदर जो सभापति होता है वो भारत का उपराष्ट्रपति होता है। यानी कि उपराष्ट्रपति होता है वो राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है, उसका चुनाव होता है, और उपराष्ट्रपति का चुनाव भारत की संसद करती है। भारत की संसद का मतलब लोकसभा और राज्यसभा, यानी कि उपराष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है उसका निर्वाचन संसद करती है, लोकसभा और राज्यसभा मिलकर के करती है, क्योंकि लोकसभा और राज्यसभा से ही संसद का गठन होता है। तो यहां पर जो भारत का उपराष्ट्रपति होता है वो राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। और उपसभापति, उपसभापति सभापति की अनुपस्थिति में कार्यभार संभालता है। यानी कि जब राज्यसभा का अधिवेशन चल रहा हो, राज्यसभा का सत्र चल रहा हो, राज्यसभा की बैठक चल रही हो और उस समय राज्यसभा का सभापति अनुपस्थित हो, तो ऐसी स्थिति में भारत का जो राज्यसभा है उसका जो उपसभापति है वो सभापतित्व करेगा, सभापति के पद को संभालेगा, उसके कार्यों को संभालेगा। उपसभापति का निर्वाचन, उपसभापति का चुनाव राज्यसभा में से ही, राज्यसभा में से ही किया जाता है, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं विद्यार्थियों कि जो राज्यसभा की वर्तमान सदस्य संख्या है 545 है, 545 में से एक सदस्य को उपसभापति निर्वाचित किया जाता है। तो इसका अर्थ हो गया कि उपसभापति का निर्वाचन राज्यसभा के सदस्य अपने में से ही करते हैं, या ये कहें कि राज्यसभा में से ही इनका या इसका यानी उपसभापति का निर्वाचन होता है। आगे देखिए, बहुत समझने की बातें हैं ये, बारीकी से कभी काफी बार एग्जाम के अंदर पूछ लिया जाता है कि जो राज्यसभा होती है, पहला क्वेश्चन आएगा राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है, कौन होता है, तो इसका जो आंसर है वह आएगा उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति। राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है, उत्तर क्या आया उपराष्ट्रपति, यानी कि भारत का उपराष्ट्रपति स्वतः ही राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। दूसरा क्वेश्चन आएगा राज्यसभा के सभापति का
कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, कितने वर्ष का होता है। देखिए विद्यार्थियों, राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष पढ़ा था हमने, लेकिन यहां पर क्वेश्चन अलग है, राज्यसभा के सभापति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। तो यहां पर ये बात याद रखनी है कि जो भारत का राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति होता है, चाहे वो राष्ट्रपति हो चाहे उपराष्ट्रपति, उन दोनों का कार्यकाल 5-5 वर्ष निर्धारित किया गया है। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल भी 5 वर्ष होता है, लेकिन राज्यसभा का जो सभापति होता है वो उपराष्ट्रपति होता है। उपराष्ट्रपति अपने पद पर कितने साल रहता है, 5 वर्ष। तो वो सभापति कितने वर्ष तक रहेगा, 5 वर्ष तक। कितने वर्ष तक है, 5 वर्ष तक। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है तीसरा, राज्यसभा के उपसभापति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, यहां पर कार्यकाल पूछा गया था सभापति का और यहां पर पूछा जा रहा है उपसभापति का। देखिए विद्यार्थियों, अभी कुछ समय पहले मैंने आपको बताया कि राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, और जो उपसभापति का चुनाव होता है राज्यसभा में, तो उपसभापति कौन बनता है, उपसभापति राज्यसभा के सदस्य ही बनते हैं या राज्यसभा के सदस्यों में से ही बनाया जाता है। तो हमने पढ़ लिया कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, तो जो व्यक्ति राज्यसभा का सभा उपसभापति बनेगा, राज्यसभा का उपसभापति बनेगा, उसका कार्यकाल भी 6 वर्ष का होगा। कितने वर्ष का होगा, 6 वर्ष का। तो ये अंतर है राज्यसभा के अंदर सभापति और उपसभापति का। देखिए विद्यार्थियों, अब आपको सारा मैटर समझ में आ गया होगा, लोकसभा और राज्यसभा का दोनों के अंदर सेम बिंदु चलते हैं, दोनों में पहला जो आया है वो आया है सदस्यों की संख्या, लोकसभा की सदस्य संख्या और राज्यसभा की सदस्य संख्या। लोकसभा की सदस्य संख्या हमने पढ़ ली है तो राज्यसभा की भी हमने पढ़ ली है। लोकसभा में अधिकतम 552 हो सकते हैं, वर्तमान में 545 है। राज्यसभा के अंदर अधिकतम 250 हो सकती है, वर्तमान में 245 है। निर्वाचन पद्धति दोनों की अलग अलग है, लोकसभा की प्रत्यक्ष है निर्वाचन पद्धति और राज्यसभा की अप्रत्यक्ष रूप से है। कार्यकाल हमने पढ़ा, लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष, उधर राज्यसभा का कार्यकाल स्थायी। लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष। आगे हमने पढ़ा कि जो अधिवेशन होते हैं वो एक वर्ष में दो बार होते हैं, अधिवेशन के बाद में उनकी योग्यताएं पढ़ी, तो योग्यताएं आपको आसानी से समझ भी आ गई होंगी। और उसके बाद में जो हमने पढ़ा लास्ट में कि जो राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं उनका जो पदाधिकारी होते हैं उनमें, तो उसमें हमने पढ़ लिया है कि लोकसभा के अंदर 2 पदाधिकारी होते हैं, राज्यसभा में भी 2 पदाधिकारी होते हैं। लोकसभा के जो पदाधिकारी होते हैं वो कहलाते हैं लोकसभा अध्यक्ष और लोकसभा उपाध्यक्ष, और राज्यसभा के अंदर जो 2 पदाधिकारी होते हैं उनको सभापति और उपसभापति के नाम से जाना जाता है। आगे का जो हमारा चैप्टर है वो है नेक्स्ट, संसद के कार्य। अगला जो हमारा नेक्स्ट बिंदु है या नेक्स्ट जो चैप्टर है वो है संसद के कार्य। संसद के कार्य, देखिए विद्यार्थियों, लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर के बनी है संसद, और संसद के कुछ कार्य होते हैं। संसद के कार्य, पहला जो कार्य है वो है विधायी शक्ति। पहला कार्य है विधायी शक्ति।
विधायी सभा। संसद के कार्य पहला जो कार्य है वो है विधायी सभा। प्यारे विद्यार्थियों, सूचियां तीन होती हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती। समवर्ती सूची, यहां समझने की बात यह है कि संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, संघ सूची पर और समवर्ती सूची पर कानून बनाने का अधिकार संसद को है। संसद का मतलब केंद्र सरकार को, और राज्य सूची के विषय पर कानून बनाती है राज्य सरकार। तो यहां पर संघ सूची और समवर्ती सूची पर कानून बनाने का अधिकार संसद को है, और राज्य सूची के ऊपर कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकार को है। जब राज्य सरकार में यानी कि संसद में और राज्य सरकार में यानी केंद्र सरकार और राज्य सरकार में राज्य सूची के किसी विषय को लेकर के तनाव हो जाता है, तो केंद्र सरकार द्वारा बनाया गया कानून ही, यानी कि राज्य सूची का विषय कौन बनाएगी फिर? केंद्र सरकार। यानी कि दोनों के बीच में टकराव हो जाएगा, तो केंद्र सरकार द्वारा बनाया गया कानून ही राज्यसभा में लागू और राज्य सूची में लागू होगा। कहने का अर्थ है कि कई परिस्थितियों के अंदर तीनों विषय पर कानून बना सकती है संसद, केंद्र सरकार। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।